बठिंडा में टूर एंड ट्रेवल्स के मालिक पृथ्वी राम बांसल ने विशेष प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष मतदान के समय उन लोगों ने डीसी साहब के कहने पर अपनी गाड़ियां किराए पर भेजी थी, जिसका करीब 24 लाख रुपए किराया आज तक लंबित है। ये गाड़ियां काली भाजपा के सीनियर नेताओं के कार्यक्रमों में भेजी गई थी, लेकिन आज तक उनको गाड़ियों का किराया नहीं मिला। मैं भंडारू ट्रैवल दफ्तर जी, गाड़ियां काम करते हैं ट्रांसपोर्ट का जी। डीसी साहब गाड़ियां मांग दी है जी, मैंने मेरा प्लैंट किया हुआ इन्होंने भी हम गड्डिया दे दिया कर, पेमेंट तेन मिल जाए करूँगी। मैं बहुत ज्यादा कम कर रहा जी, पहले मैंने पेमेंट मिल जाती सी, हूँ सरकार बदल गई जी। मेरा 14,50,000 रुपया संघ दर्शन का जी, दो गड्डिया इन्होंने संघ दर्शन होंगे जी, सुखबीर बादल के, बीबा दे जी, बादल साहब के जी। उत मैंने कहते लैटर दे देंगे भी तीन गड्डिया भेज दे, चार गड्डिया भेज दे, मैं भेज दिता जी। तेल वाल को भेजता जी, वो बिल कट्ठा बन गया जी 14,50,000 रुपये का जी। उदू बाद मोदी साहब आए थे 25,11 जी, उन्हें सिक्योरिटी आई पहले 21 जी, उन्होंने गड्डिया दिखाई जी। डी साहब ने गड्डिया मंगा लैटर मेरे को दिते जी, उन्होंने 9,56,000 रुपये मेरा जी। मैं हूँ जाना डी साहब को, कहें हर को फंड है नहीं जी, अभी फंड मंगया हुआ जी, फंड मंगया हुआ अं कह के मोड़ देंगे। हर कीर मैं क्लब जाके मीडिया लगा जी।